माइनस की सर्दी में जमती हुई सांसों के साथ, हजारों फीट ऊंचाई पर थमती हुई धड़कने लिए, मीलों मील सफेद ठंडे समुन्दर में हौसला बांधे, कदम कदम फिसलती ललकारती मौत को चुनौती देने, हरदम चौकस चौकन्ने मुस्तैद जवानों के साथ, कदम से कदम मिलाने और एक देश की ओर से शुक्रिया पहुंचाने, माइनस 15 की ठंड, 10,000 फीट की ऊंचाई और अवलांच के सबसे खतरनाक जोन में सीआरपीएफ के जवानों के साथ पहुंचा आज तक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। माइनस का तापमान जिनके हिम्मत को जमा नहीं पाता, बर्फीली तेज हवाएं जिनके हौसले को डिगा नहीं पाती, वो जिनके खून के उबाल के कारण हमारा देश महफूज है, आज हम उनकी ड्यूटी के साथ, उनकी तैनाती के साथ, उनकी कठिनाइयों के साथ आपको बताएंगे कि क्यों हमें इन पर इतना फख्र होता है। गणतंत्र दिवस परेड में इतने शान से लहराकर अगर ये चलते हैं तो वो कौन सा हौसला है, वो कौन सा कर्म है जिस पर गर्व इन्हें इतना होता है। आइए हमारे साथ आप भी बिताइए इनके साथ एक पूरा दिन। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सीआरपीएफ के जवान देश के कोने कोने में अलग अलग तरह की ड्यूटी निभाते हैं। उनकी 24वीं बटालियन का जिम्मा है एक ऐसे हिस्से की हिफाजत जो अगर कट गया तो देश से कश्मीर का संपर्क टूट जाएगा। कड़कड़ाती ठंड में भी वो इन ऊंचाइयों पर तैनात रहते हैं ताकि हिंदुस्तान अखंड रहे। देखिए, हम ये आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये एवलांच रेस्क्यू टीम हमें नजर आ रही है। जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर भी लगभग 2.5 से 3 फीट बर्फ पड़ी हुई है। ये एवलांच प्रोन इलाका बताया जाता है, बहुत एवलांच की घटनाएं यहाँ पर हुई है। सर, कितना खतरनाक है ये इलाका एवलांच के लिहाज से? मैम, ये जो 3-4 किलोमीटर का पैच है यहाँ से माइलस्टोन 200 से लेके करीबन 206-7 तक, इसमें हर साल लगभग अवलांच आते हैं। मतलब अवलांच आता है तो ऊपर से अचानक बर्फ का समुंदर गिरता है नीचे? यस मैम, होता क्या है कि जैसे इनिशियल फेज में बर्फ गिरती है मैम तो वो जमती रहती है, जब वो जमती रहती है तो नेक्स्ट फेज उसके ऊपर फिर जम जाता है, तो उसके ऊपर स्लिपरी हो जाता है वो, तो फिर वो पूरा जो पहाड़ है करीबन ये 10,000 फीट की हाइट है ऊपर, वो सारा एकदम जब थोड़ी सी हलचल होती है तो सारी बर्फ एकदम ऐसे बन के आती है टनों के हिसाब से, फिसलते हुए उसके ऊपर आती है और एकदम इतनी स्पीड होती है कि आप पलक झपते ही आपके ऊपर आ जाएगी वो। कहने के लिए रोड ओपनिंग आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी भी है और बहुत कठिन भी है, इसलिए क्योंकि सबसे पहला खतरा सर आप लोग मोलते हैं। बिल्कुल, आपने जो बोला बिल्कुल सही है, रोड ओपनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्सरसाइज है, एक ऑपरेशन है इनफैक्ट, और कभी भी किसी भी कॉन्वॉय की मूवमेंट होनी हो या ट्रूप्स का मूवमेंट होना हो तो हम जिस रास्ते से वो ट्रूप्स का जाने के लिए निर्धारित किए हैं उस रास्ते को सैनिटाइज करते हैं, जिसके लिए हमारी आरओपी पार्टी हो। तो कोई भी कॉन्वॉय अगर 1-7 बजे हम समझे शुरू करती है तो आप उसे 1 घंटे पहले शुरू करेंगे इस मौसम में भी? 1 घंटे पहले नहीं, मतलब डिस्टेंस को समझ कर होता है कि जिस स्टार्टिंग पॉइंट से वो कॉन्वॉय स्टार्ट होनी है और हमारे यहाँ तक आने में कितनी देर लगती है। बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। तो इसको बर्फ में गर्मी में किसी में असर नहीं पड़ता? नहीं मैम, यहाँ मल्टीटास्किंग डॉग है और ये हर मौसम में ही सक्सेसफुल है। हर मौसम में काम अच्छी तरीके से करते हैं।
और बर्फ फिल्म मौसम में थोड़ा आईडी में प्रॉब्लम होता है, लेकिन सक्सेसफुल आ जाता है जब थोड़ा मौसम वेदर ठीक रहते हैं, क्लाइमेट के ऊपर भी थोड़ा असर पड़ते हैं, लेकिन डॉग काम कर जाता है। अगर बर्फ में कोई एवलांच में जैसे फंसा हो उसमें भी मदद कर सकते हैं कि नहीं? एवलांच में मैम डॉग का तो ऐसे कोई असर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई जरूरत पड़ता है, जैसे इंसान अगर नीचे दबा हुआ है तो उस जगह पे हम ले जाके लोकेशन कर सकते हैं। इंसान का ह्यूमन सेंट में बहुत फर्क पड़ते हैं, तो वो लोकेट कर देगा जो यहाँ पे ह्यूमन है। ह्यूमन सेंट में भी इसका ट्रेन किया गया है। अब कितनी उम्र है इसकी? इसकी 1 साल 5 महीना है। अच्छा, अभी जस्ट ट्रेन होके आया, नया नया डॉग है। अच्छा, और इस मौसम में क्लाइमेट में फास्ट क्लाइमेट है, लेकिन काफ़ी अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। और सक्सेसफुल भी है। अच्छा। काफ़ी ड्यूटी अच्छा है। मतलब इसकी पहली बर्फबारी है। देश के हम है रक्षक, जहाँ भी दे दे बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले, हम है शस्त्र संभाले, हम है देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। हम इस समय 8,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जो सैनिक है उनके लिए तो रोज का काम है, इसीलिए आप देखेंगे कि मेरे हाथ में भले ही मुझे रस्सी थामनी पड़ती है और ये स्टिक, जिससे ये अंदाजा लग जाता है कि सामने जो बर्फ है वो कितनी गहरी है। यानी पहले आप स्टिक डालते हैं और उसके बाद देखते हैं, अगर बहुत ज्यादा गहराई है तो आप थोड़ी सी ठोस जमीन को ढूंढते हैं, क्योंकि इतनी स्टीप चढ़ाई को चढ़ते हुए आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपका पांव है वो सही जगह पर पड़ रहा है। अब सोचिए कि ट्रेनिंग तो है, लेकिन दिन रात अगर आपको इस तरह का फर्ज, इस तरह की ड्यूटी निभानी हो तो कितना आपको चौकस रहना पड़ता है, कितनी आपकी सतर्कता चाहिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन की कितनी ज्यादा आवश्यकता होती है। अपनी आप मौसम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और चूंकि सारे साजो सामान के साथ, बंदूकों के साथ और जो ऊपर रसद ले जाना है उसके साथ चढ़ रहे हैं, तो वो पूरे वजन के साथ ये तमाम सैनिक मेरे साथ ऊपर जा रहे हैं, या यूं कहूं कि मैं उनके साथ ऊपर जा रही हूं उनके पोस्ट पर। समय था जब बर्फ से ढक जाती थी चोटियां, तो जो खासकर सेना के केस में जो उनके पोस्ट होते थे उसे भी वैकेट किया जाता था। यहां पर तो, जहां पर हम हैं यहां तो आईटीबीपी पहले ध्यान रखा करती थी, अब सीआरपीएफ, जिसके पास न जाने कितनी तरह की जिम्मेदारियां हैं, वो इन बर्फीली पोस्ट पर मौजूद रहते हैं, भले ही बाकी सब चले जाएं या नहीं, लेकिन ये अपने कदम बर्फ में गाड़ कर एक तरह से देश की हिफाजत के लिए लगातार रहते हैं। अब सीधे अगर हम बर्फ में खड़े होकर सबसे बातचीत करते तो वो भी एक तरीका था कि सबकी मुश्किलों को समझते, लेकिन क्यों ना उन मुश्किलों का सामना, एक छोटा सा हिस्सा हम भी उसका सामना करने की कोशिश करें। तो जब पोस्ट्स पर कंपनी रहती है तो इस बर्फ के कारण ऐसा नहीं हो सकता है कि बार बार वो ऊपर नीचे आ सकें। सर, तो आप लोग बीच में एक समय भिजवाते हैं सारा सामान, ऐसे लेकर जाते हैं सब? इस कंपनियों का जो राशन पानी है पहले से हम लोग यहाँ पर डंप करके रख देते हैं, जो ड्राई राशन होता है। हाँ। और जो वेट राशन होता है उसको हम लोग बीच बीच में निकाल के भेजते रहते हैं। हाँ। जैसे कि आज का दिन ही है। हाँ। आज जो पूरी राशन पानी हमारे पास साथ में आई है, जो राशन टीम हमारे साथ में आई है, जो ड्राई राशन तो पहले से है यहाँ पे, जो वेट राशन है जैसे कि सब्जी हुआ या कुछ और भी वेट राशन है वो लेके अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये कठिन काम है लेकिन काम करना बहुत जरूरी है। दिक्कत तो बहुत आएगी क्योंकि जिस तरह से ऊंचाई हम देख रहे हैं पहाड़ों की, जितना स्टीप है उस पर चढ़ना इन हथियारों के साथ बड़ा कष्ट होता होगा। मैम, ये सब चैलेंजेस हैं। हम सीआरपीएफ में इस हद के और इस दर्जे से प्रशिक्षण पाए हुए हैं और अपना व्यावसायिक रूप से हम इतने दक्ष हैं कि हमको उतनी कोई परेशानी समझ में नहीं आती। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, डर नहीं उनको परों के कट जाने की। सीआरपीएफ की जो ओरिजिनल ड्यूटी है उसमें बर्फ बहुत कम मतलब देखने को सुनने को मिलता ही नहीं है, तो आप लोगों के लिए पहली बार है ऐसी पोस्टिंग सर, तो ट्रेनिंग मिली इसकी खास? जी, यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग 3 साल हो गई, अब आसान बुझाती है। हम लोग अब इस चढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कई पड़ाव भी आएंगे बीच में, क्योंकि हमें देखना होगा कि
ये जो ऊंची चढ़ाई जिसकी तरफ हम अभी बस देख ही सकते हैं, वहाँ तक बाकी तो के लिए रोज़ का काम है, मैं पहुँच पाती हूँ कि नहीं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हमारे सैनिक अगर उन पोस्ट पर लगातार साल के हर समय वहाँ निगहबानी करते हैं तो उनका कम से कम, अगर हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं या कोई भी भारत का पर्व मनाते हैं तो कम से कम वहाँ जाकर तो हम ज़रूर इन सब को भी और उन सब को भी शुक्रिया कह सकते हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागबन साथियों। तो आधा रास्ता हम कर चुके हैं पूरा, और असल में इतना इतनी बर्फ देखकर, और वैसे ठंड तो होती है लेकिन अंदर भीतर ऐसा एहसास भी होता है कि आपको पसीना आ रहा है और ये काफ़ी दिक्कतें खड़ी कर सकती है। ऐसे में ये जो गर्म पानी है सर, इससे क्या फ़ायदा है? गर्म पानी ठंडे इलाके में बहुत ही फायदेमंद है, एक जीवन दायनी वस्तु है। गर्म पानी आपको इस इलाके में हार्ट अटैक और जो सांस फूलने की बीमारी होती है उससे थोड़ा दूर रखता है। ये भी कहते हैं कि अगर फ्रॉस्ट बाइट जैसी चीज़ें इसकी आशंका हो तो उसमें भी काम हो सकता है? ये फ्रॉस्ट बाइट पे भी काम आता है। हाँ। यदि आपका हाथ, यदि खास हम चल रहे हैं, हाँ। आपने हाथ दिखा सकते हैं, इसमें देखिए फ्रॉस्ट बाइट हुआ, हाँ। यदि इसको गर्म पानी में डाल दिया, हाँ। तो इसका हाथ का जो आपका है इसके बचाव हो जाती है। तो आखिरकार हम पहुँच गए हैं वहाँ जहाँ के लिए चले थे हम, और जो रसद लेकर आए थे सैनिक वो आगे की ओर बढ़े हैं। सर कितने हजार फीट की ऊँचाई पर है? मैम तकरीबन ये हम 10,000 फुट की हाइट पर अभी आ गए हैं, और यहाँ पर जो जवान हमारे हैं वो हर एक ट्रेंडशुदा जवान हैं, हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए सबको ट्रेनिंग दी जाती है, और बीच बीच में हमारे शिवसर राशन की पार्टी के साथ आते रहे, हर दूसरे या तीसरे दिन में शिवसर भी आते रहते हैं। कितने दिन से, मतलब 12 महीने 24 घंटे पूरी तैनाती है? बिल्कुल मैम, जो ये 24 घंटे की हमारी तैनाती है, ये विड्राल नहीं होती है हमारी कंपनियाँ, ये जब बर्फ हो या चाहे कोई दूसरी आपदा हो, लेकिन ये हमारी 24 घंटे की तैनाती है। तो बर्फीले तूफान भी बहुत आते हैं यहाँ? जी मैम बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन उससे भी निपटने के लिए हमारे पास पूरे सनों के पूरे इक्विपमेंट हैं, उससे भी हम निपटते हैं। तो एवलांच का दरअसल ये बताया जाता है, अगर पूर्वानुमान है, लेकिन मौसम आप जानते हैं कि हमेशा वो नहीं होता है जो कहा जाता है, या फिर कई दफ़ा चूंकि इन पहाड़ों पर इतना हैवी स्नोफॉल है, परिस्थिति काफ़ी पेचीदा, काफ़ी मुश्किल रहती है। कितना तापमान यहाँ पर हो जाता है? मैम यहाँ पे लगभग 10 से 15, -10 से -15 तक चले जाते हैं तापमान। अच्छा, जी तो आप लोग रात में भी ड्यूटी आपकी होती है? बिल्कुल मैम, 24/7 हमारी ड्यूटी यहाँ पे रहती है, और कभी कभी पेट्रोलिंग का भी, हम लोग पेट्रोलिंग भी बाहर करने जाते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अहम हो जाती है इसीलिए। तो जो जैकेट्स होते हैं वो हमें बताया गया, करीब करीब जो खासकर जो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर रहते हैं उनके लिए -20 डिग्री तक वो जैकेट रोक सकता है ठंड को, उसी तरीके से जैसे आप मुझे देख रहे हैं पहने हुए, ताकि जूते और कपड़ों में इतना गैप ना हो कि बर्फ उछल कर उसके अंदर आए, क्योंकि अगर एक छोटा सा कण भी आ जाएगा तो उसके बाद बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी चीजें रहती हैं, लेकिन ग्लव्स भी अगर आप ध्यान दें, क्योंकि आपको बंदूक के साथ सावधान मुद्रा में रहना है, आप कवर्ड भी पहन सकते हैं, और आपके पास, मैंने तो दोनों पहने हैं, दोनों मिलाकर पहने हैं, लेकिन इसमें आप लोग क्या अभ्यस्त हो जाते हैं? जी बिल्कुल अभ्यस्त है इसमें हम, हाँ। इस तरह से हमारी प्रशिक्षण दी जाती है कि -10 से -15 के बीच में भी हम लोग रह सके। किसम में वतन की लौ पर कुर्बान पतंगा हो। गणतंत्र दिवस के मौके पर बर्फीली ऊंचाइयों पर तैनात इन सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए आज तक पहुंचा है 10,000 फीट की ऊंचाई पर। हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, है देश के हम रखवाले, है देश के हम रखवाले, है देश के हम रखवाले। पर भी आप सोचेंगे कितनी सारी अपनी जिंदगी की छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, और यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें, अब लगता होगा घर में भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, फोन चल रहा है, बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन खुश रहते हैं सर सब? सभी खुश रहते हैं, और खुश का माहौल हम लोग बना कर रखते ही हैं कैंप के अंदर में, क्योंकि मेरा परिवार है यहाँ पे, सभी परिवार से दूर है, परिवार के बीच में हम रहते हैं, तो उसी के ऐसा माहौल बना कर रखते हैं सभी के बीच में। दौलत न अता करना मौला, ये कुमार विश्वास जी द्वारा रचित है।
दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता कर दे चाहे जन्नत न अता करना मौला। किसम मैं वतन की लौ पर कुर्बान पतंगा हो, होठों में गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, होठों में गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। बर्फीले बादल घूमना शुरू हो चुके हैं और मौसम लग रहा है कुछ कुछ बिगड़ रहा है, अंधेरा भी धीरे धीरे हो रहा है। हम तो नीचे का रुख करेंगे लेकिन बाकी सब यहीं पर तैनात रहेंगे, अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे -10 -15 तक की ठंड में भी। उम्मीद है इनका एक दिन, इनका इनका इनकी एक कठिनाई देखकर, जो कि एक बस छोटा सा नमूना है, उसे देखकर आप समझ पाए होंगे क्यों भारत दुनिया में सबसे महान है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। चौकस।